नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय परिसर में 107 भूमिहीन परिवारों को बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा 3-3 डिसमिल जमीन का पर्चा दिया गया। जमीन का पर्चा प्राप्त होने के बाद भूमिहीन परिवारों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। बिहार में नीतीश सरकार जरूरतमंदों और भूमिहीनों की मदद के लिए कृत संकल्पित है। सरकार के द्वारा वैसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें 3-3 डिसमिल जमीन मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। यह बातें आज बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय में आयोजित पर्चा वितरण समारोह के दौरान बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कही। उन्होंने आज बिहार शरीफ प्रखंड के कुल 107 भूमिहीन परिवारों को 3-3 डिसमिल जमीन का पर्चा दिया। जमीन का पर्चा मिलने के बाद सबों के चेहरे पर मुस्कान बिखरी और सरकार के द्वारा दिए गए जमीन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि नीतीश सरकार गरीबों की मदद के लिए हमेशा काम करती रही है। इस मौके पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जिनके पास घर नहीं है उनके लिए जमीन मुहैया कराई गई है। वहीं मकान बनाने के लिए सरकार के द्वारा 1,20,000 रुपया भी दिया गया है, साथ ही शौचालय निर्माण के लिए भी 12,000 रुपया दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जिनके पास मकान नहीं था उनका अब अपना छत होगा, अब वह अपने आसियाना में हंसी खुशी अपना जिंदगी व्यतीत करेंगे। नीतीश कुमार ने जब से राज्य का बागडोर संभाला है तब से गरीबों के हितों में काम कर रहे हैं। सरकार को गरीबों की चिंता है और उनके विकास के लिए हर संभव मदद करने का काम किया जा रहा है। राज्य में कोई परिवार भूमिहीन एवं भवनहीन राज्य में वंचित नहीं रहेंगे। राज्य सरकार के खजाने पर पहला हक गरीबों एवं आपदा पीड़ित परिवारों का है। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अंजन दत्ता, अंचलाधिकारी प्रभात रंजन, जदयू प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय कुमार देव, प्रखंड अध्यक्ष संजय कुशवाहा, प्रदीप मुखिया, मुन्ना पासवान, धनंजय मुखिया, प्रमोद यादव, राजकुमार मांझी, उपेंद्र दिलवाला, मुन्ना मांझी के अलावे कई अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।